नमस्कार दोस्तों, मैं निशिता गीतिका किचन में हर बार की तरह एक बार फिर मैं आज आप सबके लिए लेकर आई हूँ गुलाब जामुन, जिसे हम घर पे बनाने वाले हैं और ये बहुत ही टेस्टी और स्वादिष्ट बनके तैयार होने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं कि हमें इसे कैसे बना रहे हैं और इसमें क्या क्या सामग्री चाहिए होगी। हेलो फ्रेंड्स, मैं निशिता गीतिका किचन में आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ हलवाई स्टाइल गुलाब जामुन। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं इसे हम आज घर पे बनाने वाले हैं। बिल्कुल ही अच्छा, बिल्कुल ही जूसी रस से भरा हुआ और बिल्कुल ही सॉफ्ट बनके घर पे तैयार हो जाता है। तो फ्रेंड्स, इसे आप कोई भी फेस्टिवल में बना के खा सकते हैं और इंजॉय कर सकते हैं, सभी को बहुत ही पसंद आता है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या क्या सामग्री चाहिए होगी। हेलो फ्रेंड्स, मैं निशिता गीतिका किचन में आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ गुलाब जामुन। फ्रेंड्स, हम इसे घर पे बनाने वाले हैं। जो मार्केट में आप देख सकते हैं इस तरीके से MTR का गुलाब जामुन का पैकेट यहाँ पे तैयार मिलता है, तो इसे हम बनाने वाले हैं घर पे। फ्रेंड्स, ये बहुत ही अच्छे से बिल्कुल ही हलवाई जैसा हम घर पे बनाएंगे। तो इसके लिए आप देख सकते हैं हमने 500 ग्राम का ये इंस्टेंट गुलाब जामुन जो मिक्स आता है उसे हमने ले लिया है, 500 ग्राम का एक पैकेट। फ्रेंड्स, इससे आप कम से कम 50 से 70 गुलाब जामुन बना सकते हैं, छोटे और बड़े अपने हिसाब से। एक ग्लास हमने फुल क्रीम वाली दूध ली हुई है, ये रूम टेम्परेचर पे है फ्रेंड्स। और हमने यहाँ पे 1.5 किलो चीनी लिया है, इलायची ले लेना है हमें 10 से 12। फिर हमने यहाँ पे आप देख सकते हैं क्रश करके बादाम लिए हैं और पिस्ते को क्रश कर लेना है फ्रेंड्स। घी चाहिए हमें तलने के लिए और मैन देने के लिए, कोई भी एसेंस ले सकते हैं आप फ्लेवर। हमने यहाँ पे वाइट रोज का लिया है, आप चाहें तो पाइनएप्पल फ्लेवर भी दे सकते हैं या फिर आप सिंपल इसमें केसर भी डाल सकते हैं। तो केसर ले लिया हमने। फिर अगर आपका मन है तो आप यहाँ पे सिल्वर लिप्स भी लगा सकते हैं लास्ट में गुलाब जामुन के ऊपर, अगर चाहें तो नहीं भी लगा सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इसे बनाना बहुत ही ईजी है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमने एक बड़ी कढ़ाई ली है। आप कोई भी एल्युमिनियम या स्टील का बर्तन ले सकते हैं, बड़ा और गहरा बर्तन लेना है या फिर नॉन स्टिक बर्तन भी ले सकते हैं। उसमें हमने यहाँ पे 1.5 लीटर पानी लिया है और 1.5 केजी यहाँ पे चीनी लिया है। पानी और चीनी बराबर मात्रा में ले लेना है और 5 से 7 मिनट के लिए इसे हमें अच्छे से पका लेना है चलाते हुए। फिर हमने इसमें 15 से 20 केसर के धागे आप देख सकते हैं डाले हैं हमने, और इलायची डाली है जिससे कि इसका कलर आ गया है। तो चाशनी हमारी हल्की गर्म होनी चाहिए गुलाब जामुन को डुबाने के लिए। जब तक ये अच्छे से पकती है चाशनी, तब तक हम अपने गुलाब जामुन का बैटर तैयार कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने एक बड़ा बर्तन ले लिया है, आप कोई भी बर्तन ले सकते हैं। और इस पैकेट को हमने ले लिया है, ऊपर से हमें इस पैकेट को कट कर लेना है कैंची की सहायता से। फिर हमें इसमें जो पाउडर है तो इसे हमें डाल देना है फ्रेंड्स, उस बर्तन में अच्छे से निकाल लेना है। आप देख सकते हैं हमने इसे निकाल लिया है और आपके हाथ बिल्कुल ही साफ होने चाहिए। तो इस तरीके से हमारे हाथ जो है वो साफ होने चाहिए। फिर हमने जो घी लिया है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं, तो इसे हमें 3 से 4 फुल टेबल स्पून इसमें डाल देना है। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पे 3 से 4 बड़े चम्मच घी डालेंगे और फिर हम दूध के साथ इसे अच्छे से गूंथेंगे। तो आप देख सकते हैं 4 बड़े चम्मच हमने घी डाला है और अच्छे से हमें इसे मिक्स कर लेना है। सबसे पहले ये बिल्कुल ही अच्छे से मिक्स हो जाना चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, 2 से 3 मिनट का टाइम लगेगा। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमारा जो यहाँ पे मिक्स था वो अच्छी तरीके से घी के साथ हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया इस पाउडर को, और ये बहुत ही अच्छे से दानेदार मिक्स हो चुका है। अब हमने यहाँ पे जो फुल क्रीम वाली दूध ली है उसे हमें थोड़ा थोड़ा करके डालना है और एक सॉफ्ट बैटर तैयार कर लेना है। बिल्कुल ही अच्छा सा डो तैयार करना है, जैसे कि हम आटे को गूंथते हैं, बहुत ही सॉफ्ट रहना चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, हम एक सॉफ्ट डो तैयार कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं इस तरीके से हमने यहाँ पे डो को तैयार कर लिया है। अब हमें क्या करना है, आप देख सकते हैं बिल्कुल ही सॉफ्ट डो है,
इसे बहुत ही अच्छी तरीके से हमें दबा दबा के डो को तैयार करना था। और आप देख सकते हैं घी डालने से ये तली में बिल्कुल ही चिपका नहीं है और अच्छे से एक जगह इकट्ठा हो गया है। तो अब हमें एक साइज के बॉल्स ले लेने हैं और अपने हथेली में हमें घी लगा लेना है फ्रेंड्स, और इसके एक साइज के बॉल्स बना ले लें हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम सभी बॉल्स बना लेते हैं एक साथ। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं इस तरीके से हमें एक साइज की यहाँ पे लोई ली हुई है, और इन्हें क्या करना है, अच्छे से अपने दोनों हथेलियों के बीच में हमें दबाते हुए, प्रेस करते हुए, इस तरीके से करते हुए, फिर इसे दोनों हथेलियों के बीच में एक दूसरे से इस तरीके से बॉल शेप में ले आना है। आप देख सकते हैं बहुत ही आसानी से ये बॉल शेप ले लेगा और बिल्कुल ही घी लगाने से इसमें जो है चिकनाई आएगी फ्रेंड्स, और इसमें क्रैक बिल्कुल ही नहीं आते हैं। बहुत ही अच्छे से हमारा बॉल्स जो है वो बन के तैयार होता है। तो इस तरीके से हमें बॉल को रेडी कर लेना है, सभी बॉल को जो हमारे गुलाब जामुन के बॉल हैं इन्हें रेडी कर लेना है इस तरीके से हमें। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं इसमें अभी क्रैक है, तो हमें क्या करना है, इसे हल्का सा प्रेस और करना है। कुछ लोगों के करते वक्त क्रैक रह जाते हैं तो गुलाब जामुन जो है वो फट जाता है, इसलिए अच्छे से प्रेस करते हुए हमें इसे अच्छे से कर लेना है। आप देख सकते हैं अब बिल्कुल ही इसमें क्रैक नहीं है, मैं आपको पास से दिखला देती हूँ, बहुत ही अच्छा सा बना है। तो इसी तरीके से सभी बॉल्स हम बना के तैयार कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आप सब देख सकते हैं हमने यहाँ पे नॉनस्टिक की कढ़ाई ली है और उसमें 350 ग्राम हमने घी डाला है। फ्रेंड्स, घी बिल्कुल ही शुद्ध होना चाहिए, घर का होना चाहिए। अब हम यहाँ पे इंडक्शन को ऑन कर देंगे और घी को गर्म होने देते हैं। 1 मिनट लगेगा और हमारा घी अच्छी तरीके से गर्म हो जाएगा। जब हमारा घी मीडियम गर्म हो जाएगा फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा गर्म ना हो, तब हम इसमें एक एक करके जो हमारे बॉल्स बन के तैयार हुए हैं सभी, उसे हम यहाँ पे फ्राई करने के लिए डालेंगे। मैं आप सबको दिखला देती हूँ कि हमारे बॉल्स कितने ही अच्छे बने हैं, और पूरे 72 बॉल्स बन के तैयार हुए हैं 500 ग्राम के पैकेट में। और आप देख सकते हैं बहुत छोटे साइज के नहीं हैं, मीडियम साइज के हैं, जो कि तलने के बाद जब इसे हम चाशनी में डालेंगे इसके साइज बहुत ही अच्छे से आ जाते हैं फ्रेंड्स, बड़े बड़े। तो चलिए देखते हैं कि ये कैसे बनते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमारा घी जो है वो अच्छी तरीके से गर्म हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमने बॉल्स बनाए हैं एक साइज के, हम एक एक करके बहुत ही आराम से हमें इस घी के अंदर डालना है फ्राई होने के लिए। तो हम 10 से 12 बॉल्स डालेंगे अभी। तो आप देख सकते हैं हमने 12 बॉल्स डाल दिए हैं। अभी इन्हें हमें बिल्कुल ही टच नहीं करना है फ्रेंड्स, अपनी कढ़ाई को हमें बहुत ही आहिस्ता हल्के से, आप देख सकते हैं राउंड शेप में हमें इसे हल्के हाथों से हिला रही हूँ बस, और कुछ भी हमने नहीं किया है, ये बिल्कुल ही अच्छे से फ्राई हो जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, इसका कुछ कलर बदले फिर मैं आपको बताती हूँ। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि इसका कलर चेंज होते जा रहे हैं, और हमें बिल्कुल ही इसे कलछल की सहायता से टच नहीं करना है। इस तरीके से आप अपनी कढ़ाई को पकड़ के हल्का हल्का राउंड शेप में घुमा सकते हैं, जिससे कि इसे हमें चलाना नहीं पड़ेगा और ये बिल्कुल ही अच्छे से फ्राई हो जाएगा फ्रेंड्स। फिर आप इसे जब देखें कि ये डार्क कलर हो गया है, तब आप इसे कलछल की सहायता से चला सकते हैं, और फिर गैस की फ्लेम या फिर इंडक्शन जो भी आपने लिया है उसे ऑफ कर दें। जब हम दूसरी बार डालेंगे तो फिर से गैस को ऑन करेंगे ताकि हमारा घी ज़्यादा जले नहीं फ्रेंड्स, इस तरीके से इसका हमें ध्यान रखना है। इसे अच्छे से चलाते हुए आप देख सकते हैं इसका कलर बहुत ही अच्छा आया है, गोल्डन बिल्कुल ही एक जैसे हो गए हैं। अब हम इन्हें निकाल लेंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमने गुलाब जामुन को फ्राई करके निकाल लिया है। अब हमें क्या करना है, जो हमारी चाशनी तैयार है वो बिल्कुल ही नॉर्मल रहनी चाहिए, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। तो एक एक करके हम गुलाब जामुन को चाशनी के अंदर डाल देंगे इस तरीके से। आप देख सकते हैं कितने ही अच्छे से इन्हें डालने पे ये जंप होके अंदर जा रहे हैं फ्रेंड्स, और ये इसके अंदर चाशनी बहुत ही अच्छे से एब्जॉर्ब हो रही है। तो इस तरीके से आप देखेंगे जब इसमें चाशनी अच्छे से ये सोख लेगा तो इसका साइज जो है थोड़ा और भी बड़ा हो जाएगा। तो इसी तरीके से चलिए फ्रेंड्स, हम सभी गुलाब जामुन को फ्राई करके चाशनी में डाल देते, फिर मैं आपको आप पास से दिखलाती हूँ, आप अभी का साइज देख लीजिए,
फिर कुछ देर बाद का मैं साइज दिखलाऊंगी। बहुत ही अच्छा बनके बिल्कुल ही सॉफ्ट हलवाई जैसा, मार्केट से भी अच्छा, आप घर पे बना सकते हैं और इंजॉय कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं एक घंटा हो चुका है और हमारा जो गुलाब जामुन है वो बहुत ही अच्छे से बन के रेडी हो चुका है। इसे हमने एक कांच के बाउल में निकाल लिया है और मैं आपको यहाँ पे दिखला देती हूँ कट करके। फ्रेंड्स यहाँ पे हमने दो गुलाब जामुन लिया है, अब इसे हम चाकू की सहायता से कट कर लेते हैं। ये कितना ही मार्केट स्टाइल बन के तैयार हुआ है, आप देख सकते हैं चाशनी बिल्कुल ही अंदर तक इसमें एब्जॉर्ब हो चुकी है, इसने सोख लिया है आप देख सकते हैं, और बहुत ही अच्छा सा इसका फ्लेवर आया है फ्रेंड्स। तो आप चाहें तो इसके ऊपर से कुछ क्रश किए हुए बादाम भी डाल सकते हैं और ये बहुत ही अच्छा लगता है गार्निश करने के बाद। यहाँ पे हम पिस्ते और कुछ बादाम डाल रहे हैं जिससे कि बिल्कुल ही मार्केट स्टाइल बन के तैयार हो जाने वाला है इस तरीके से। तो फ्रेंड्स अगर हमने यहाँ पे जो चांदी लिप्स ली हुई है, चांदी की सिल्वर फॉइल, आप चाहें तो इसे भी थोड़ी थोड़ी गार्निश कर सकते हैं गुलाब जामुन के ऊपर। बहुत ही अच्छे से साफ हाथ होना चाहिए आपका और ये दिखने में बहुत ही अच्छा सा लगता है, एक अच्छा सा लुक आ जाता है इससे इस तरीके से। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि कितने कम टाइम में, बहुत ही कम मटेरियल में आप इसे बना के तैयार कर सकते हैं बिल्कुल ही मार्केट स्टाइल में, और ये बनने के बाद कितना ही अच्छा सा तैयार हुआ है। तो अगर फ्रेंड्स आप इस तरीके से गुलाब जामुन बनाएंगे तो बहुत ही अच्छा सा गुलाब जामुन बनेगा। और आप देख सकते हैं ये कितना ही सॉफ्ट है इस तरीके से, ये बिल्कुल ही मुंह में डालने पे घुल जाने वाला है, बहुत ही टेस्टी सा बन के तैयार हुआ है और बिल्कुल ही जूसी भी है इस तरीके से। आप देख सकते हैं चाशनी कितनी ही अच्छे से इसमें अंदर तक आ गई है। तो इस तरीके से आप बनाएंगे तो गुलाब जामुन आपका फटेगा भी नहीं और बिल्कुल ही अच्छे से बन के घर में तैयार हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अगर आप सबको हमारे गुलाब जामुन की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ फ्रेंड्स इसे एक बार लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो अगर फ्रेंड्स अगर आप हमारी मम्मी का ये आज का वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ 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 उसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।